हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता और साई कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं पिज्ज़ा सॉस। बिल्कुल मार्केट जैसा पिज्ज़ा सॉस बनता है, आप उसका कलर देख सकते हैं और कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं, परफेक्ट है। तो चलिए पिज्ज़ा सॉस बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें अब हमें 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल लेना है। जब भी हम डोमिनो स्टाइल पिज्ज़ा बनाते हैं या फिर उसका सॉस बनाते हैं तो हमें ऑलिव ऑयल ही यूज़ करना है, तो 1 टेबल स्पून लेना है। उसी में अब हमें 1 टेबल स्पून गार्लिक चॉप कर कर लेना है। लहसुन हम चॉप करते हैं तो उसका फ्लेवर अच्छा आता है, तो उसको थोड़ा सा फ्राई करना है। उसी में अब हमें एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप कर कर डालना है, उसको भी थोड़ा सा भुनना है। उसका सिर्फ कच्चापन निकल जाना चाहिए, उसका कलर चेंज नहीं करना है हमें, सिर्फ सॉफ्ट करना है। हमारा प्याज अब सॉफ्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और उसी में अब हमें 1/2 किलो टमाटर डालने हैं, थोड़े से पके हुए ही टमाटर लेने हैं हमें। और इसमें से पूरा पानी निकल जाने तक हमें इसको पकाना है। इसी में अब हमें नमक डालना है, नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। इसी में अब हमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालनी है। ये तीखा नहीं होता इसलिए कम ही डालनी है। अगर आपको लाल मिर्च पाउडर नहीं डालनी हो तो आप रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो इसको अब अच्छे से मिक्स करना है हमें। और इसमें अब जो मेन इंग्रेडिएंट जाएगा वो है केचप, टोमेटो केचप। ये हमें 3 टेबलस्पून डालना है और इसको भी अच्छे से मिक्स करना है, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है और परफेक्ट मार्केट स्टाइल हमारा सॉस बनकर तैयार हो जाता है। इसी में अब हमें 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स डालने हैं। अगर आपके पास मिक्स हर्ब्स नहीं है तो आप सिर्फ ओरेगानो भी डाल सकते हैं। इस तरह की बॉटल आती है मिक्स हर्ब्स की या फिर ओरेगानो की, तो आप दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। मिक्स हर्ब्स मिले तो वो बेटर है, वही डालना है। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसमें से पूरा पानी निकल जाने तक हमें इसको पकाना है, मतलब इसकी एक टाइप की सब्ज़ी बना कर लेनी है। आप देख सकते हैं इसमें से पूरा पानी निकल गया है, तो इसको अब हमें पूरी तरह से ठंडा कर कर लेना है। यह पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, इसको अब हमें ग्राइंड करना है, इसकी स्मूथ पेस्ट बनानी है। जैसे मार्केट में सॉस मिलता है सेम वैसे ही। अगर आपको ये ग्राइंड करने के बाद भी थोड़ा सा मोटा लगे तो आप छन्नी से छान सकते हैं या फिर वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कमर्शियली यूज़ करना है तो छन्नी से छान कर लेना है, घर के लिए यूज़ कर रहे हो तो ऐसे ही यूज़ करना है। मैंने छाना नहीं है, सिर्फ ग्राइंड कर कर लिया है। इसकी बहुत स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो गई है, ये हमारा परफेक्ट पिज्ज़ा सॉस बनकर तैयार हो गया है। आप इसका कलर भी देख सकते हैं, परफेक्टली जैसे मार्केट में मिलता है सेम वैसा ही है। और इसको आप 3 महीने तक फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको फ्रीज में स्टोर करना है तो ये सिर्फ 5 से 6 दिन तक ही टिकेगा। तो आपको ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करना हो तो आप फ्रीज़र में ही स्टोर कर सकते हैं और कमर्शियली भी आप ये पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर सकते हैं। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, परफेक्ट हमारा पिज़्ज़ा सॉस बनकर तैयार हो गया है, जैसे मार्केट में मिलता है सेम वैसे ही बना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो साई कुकिंग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ वो वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए।